Okay, very good evening, smarties. Welcome back in this session, your usual session. We are going to discuss some third equations as usually we do. But in today's session, you are going to do 30 out of 30. Agar aap kar sakte hain, definitely you will gain an upper hand. Ab mujhe lagta hai ki aap kar lenge. Kal ka session jarur miss mat kariyega, bilkul miss mat kariyega. Aur kyunki kal 125 question ki puri series dunga, kaise aayega. Agar usme aap 110 kar jate hain, to meri nazar mein aapka selection pakka hai. 110 लेबल मैंने जीरो से बनाया है, मतलब टफ नहीं बनाया, बिल्कुल मॉडरेट से भी लो रहेगा, वैसे आप उम्मीद करिएगा. तो कल के सेशन में, कल आप 9:30 बजे, इफ एवरीथिंग गोज वेल, अगर कोई टाइम स्केड्यूल जो है वो चेंज भी हो सकता है, बट कल क्लास मैं लूंगा. आई विल मीट माई क्लास टुमारो एट 9:30 इफ एवरीथिंग गोज वेल. टाइम थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, बट दैट इज डेड श्योर कि मैं लूंगा. तो आप उसमें अपना देख सकते हैं. और आई थिंक ऑल इज वेल हियर. और लेट मी चेक आउट. बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट यू डिड नॉट डू वेल यस्टरडे. आई आस्क्ड अ क्वेश्चन यस्टरडे एंड दैट वॉज टिरनी इज डेड, व्हाट यू प्रोनाउंस एज टायरनी. तो मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने पूछा था टिरनी इज डेड. इनफैक्ट पूछा था इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच था, तो उसको क्लैरिफाई करना मुझे मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या, इनफैक्ट 90% लोगों ने गलत आंसर, 99% लोगों ने गलत आंसरिंग की करी थी, इसलिए मैं उसको ज़रूरी समझता हूँ बताना, कि मैं उसको बता दूँ ताकि वो सही रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. लेट मी चेंज द पेन फॉर दैट. एंड हियर, ये जो जूलियस सीजर की लाइन है आती है उसमें, टिरनी इज डेड. इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा था और ज्यादातर लोगों ने पर्सोनिफिकेशन बताया था और तर्क भी किए थे. तर्क क्या, एक प्रकार का कोई तर्क किया था उसमें, एक बंदे का या एक दो बंदे का सही था. जिन लोगों ने सिनेकडकी दिया है इनफैक्ट वही सही है. बाकी सिनेकडकी क्या होता है, पार्ट फॉर द होल, होल फॉर द पार्ट, केवल एक पहलू आप जानते हैं. उसका एक पहलू ये भी होता है कि यहाँ टिरनी का मतलब टायरेंट है, जिसको टिरेंट पढ़ते हैं, वो टायरेंट मैंने बोल दिया, गलत है, टिरेंट है. तो जब क्या कहते हैं, कंक्रीट अब्स्ट्रैक्ट के लिए कंक्रीट और कंक्रीट के लिए अब्स्ट्रैक्ट का प्रयोग होता है, तब भी एक प्रकार का सिनेकडकी होता है. ये पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है जो फिगर ऑफ स्पीच का सेशन है. तो अब कोई शक शुबहा मत रखना, क्योंकि इसमें सिनेकडकी ही है. बाकी आप कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो डिग्रेसी की बात करेंगे हम, तो इसमें टिरनी है. नाउ लेट्स बिगिन द सेशन, गॉट इट. तो सेशन की शुरुआत करते हैं. गालजोर्दीज आइलैंड फेरिसीज, ये गालजोर्दीज आइलैंड फेरिसीज, ये जो है अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये 1904 में है और ये पहला वर्क है जो उनके नाम से आया था. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, द रूफ, द पिजन, 40 पोइम्स, एक्साइल्ड. ये किस नाम से आया था, तो यहां पर देखिए, आप लोगों ने बताया कि ये थ्री एक्ट प्ले के रूप में आया था. थ्री एक्ट प्ले के रूप में आया था, पिजन के रूप में आया था. कब आया था, 1912 में आया था. ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. तो एग्जाम में अमूमन सवाल ऐसे रहते हैं. कल का सेशन 125 क्वेश्चन का रहेगा, मैं इसलिए रिमाइंडर दे रहा हूँ, डोंट मिस दैट, क्योंकि जीरो से रहेगा उसमें. मुझे लग रहा है कि आप खुद भी 100 के ऊपर जा रहे हैं, 100 के ऊपर जा रहे हैं, देन यू आर वेरी गुड. और मुझे लगता है कई लोग 125 में, 120, 122, 125 भी कर देंगे. तो देर इज नो सॉरी, हाँ पिजन है भाई, आप उसमें क्यों दुविधा में हो, पिजन ही है. तो ये पिजन है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है. पिजन मतलब जानते हो, अच्छा पिजन पे एक बात बता दूं कि ना बताऊं, बता देता हूं. अब पिजन हर्टेड होता है, अगर किसी को पिजन हर्टेड बोलने का मतलब समझते हो, पिजन हर्टेड का मतलब होता है कावर्ड, ठीक है कि नहीं. पिजन हर्टेड का मतलब क्या होता है, कावर्ड होता है. और उसी कावर्ड के लिए आपके पास बहुत सारे वर्ड होते हैं. आई नीड नॉट, एग्जाम में जो आया है वो कम से कम वो बता दूं, क्रेवन, Dastard, Meacock, many more. I don't want to go on that. Next question.
गाल्जवर्दी फ्रॉम द फोर गाल्जवर्दी होना चाहिए फ्रॉम द फोर विंड्स फ्रॉम द फोर विंड्स इज अ कलेक्शन ऑफ होना चाहिए बेंड इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स शॉर्ट स्टोरीज वन एक्ट प्ले नॉवेल. तो ये फ्रॉम द फोर विंड्स उनका पहला कलेक्शन है और तो ये जो है फ्रॉम द फोर विंड्स कब आती है आपको बताना है. इट कम्स इन व्हाट टाइम. एक मिनट यार मेरा पेन किधर गया. इधर है. ठीक है सॉरी. ये जो है फ्रॉम द ये थोड़ा सी समझ लो सुधारने की जरूरत नहीं है समझ लो. गाल्जवर्दी फ्रॉम द फोर विंड्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स शॉर्ट स्टोरीज. तो ऑब्वियसली इट्स शॉर्ट स्टोरीज और ये जॉनसन जॉन नेम से आया था मतलब ये उनके पेन नेम से आया था. पहला जो उनके नाम से आया था आप उसको आइलैंड फेरिसीज की बात करेंगे. हालांकि पहली बार जो होता है अगर आप फॉरसाइट फैमिली एक सवाल ऐसे भी बना था कि फॉरसाइट फैमिली कब आती है तो वो किस पर्टिकुलर वर्क में पहली बार उसका मेंशन होता है तो आप उसको मैन ऑफ डेवन कहते हैं. ठीक है तो इस तरीके से सवाल बनेंगे जो 1798 में आया था. रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन 30 out of 30 आपको करना है आज. Replace the underlined portion in the following sentence with one word putting off for tomorrow. What can be done today? जो आज कर सकते हैं उसे कल पे टाल देना. इसके लिए क्या शब्द होता है. Is the surest way to failure. अगर ऐसा करना तो definitely आप you are going to which gully you don't know. Right? You are running and you don't know for what you are running. Then actually you are good for nothing. Right? और अगर आप रनिंग कर रहे हैं एंड यू आर विनिंग एंड विनिंग सपोज यू आर रनिंग एंड विनिंग देन एक्चुअली यू आर लूजिंग नॉट विनिंग. इट सिंपली मींस यू आर नॉट फेसिंग एन एडिक्वेट अपोनेंट. जब आप हमेशा जीत रहे होते हैं इफ यू विनिंग एंड विनिंग ऑल द टाइम इफ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑल द टाइम इट सिंपली मींस You have not faced tough questions till now. तो हमेशा जान लो कि हर चीज का एक substitute होता है. तो ठीक है यहाँ देखते हैं. यहाँ पर proclamation होता है procrastination, profanation, proliferation. सबका मतलब आप जानते हैं और आपका आंसर procrastination होता है. Procrastination is the thief of time. हालांकि ये लाइन हेमलेट की नहीं है लेकिन wrongly it is attributed to Hamlet. और ये सवाल भी ऐसे ही पूछा गया है. आई स्टिल रिमेंबर कि एक जगह का जब मैं पेपर हल कर रहा था तो उसमें सवाल ही पूछा गया था. प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीप ऑफ टाइम इज रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू विच प्ले ऑफ शेक्सपियर. तो शेक्सपियर से लाइन तो है नहीं बट वो एट्रीब्यूट की जाती है. तो ऑब्वियसली और यहां पर प्रोक्रेस्टिनेशन आप कह सकते हैं. अनाउंस क्या होता है यार. अनाउंस का मतलब घोषणा करना. Which work of Milton offers a fervent plea for the freedom of press? मजा आ रहा है एकदम आसान से. Now you should also write how is the jokes. You have to keep jokes. देखो मैं बड़ा क्लियर हूँ भाई. मैं चाहता हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मेरी बात होगी. ठीक है क्योंकि ये मेरी कार्ड ब्लांस है. कार्ड ब्लांस के लिए गूगल कर लीजिएगा वैसे कही आप जानते होंगे. दिस इज माई फ्रीडम माई लिबर्टी माई वे ऑफ टीचिंग एंड आई विल टीच ऑन माई ओन. सो आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन एंड हैकलिंग इन बिटवीन. समझने के लिए थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा जिन शब्दों को मैं प्रयोग करता हूँ. ये आई नेवर ट्राई टू शो माई एरुडिशन बिकॉज यू नो दैट यू आर ऑलरेडी ग्रेट एरुडाइट सो आई नीड नॉट शो दैट. तो यहाँ पर क्या करना है. कोमर्स पैराडाइज रीगेन्ड सैमसन अगनिस्ट ये दोनों साथ में आता है. एरोपोजिटिका की बात करेंगे तो ये क्या है. अब फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आप देखें तो एरोपोजिटिका तो सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई जा चुकी हैं. ठीक है ओके. यू मस्ट कीप योर जोश हाई. ठीक है तो यहां पर तो ये किसने कहा कि शेक्सपियर का पीजीटी में नहीं आया. थोड़ा सा ये होना चाहिए ना उसका प्रयोग करना चाहिए. सब काम आएगा. ऐसा नहीं है कि आपको वहीं से आएगा जो बताओ इसे आज भी. तो मैं तो मेरे सवाल में पीजीटी डिजिट सब मिक्स रहता ना. डोंट से लाइक दैट. आई डोंट लाइक. गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो.
द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज कंसर्न विद मेकिंग रूल्स, सरकार का वह अंग जो नियम बनाता है, कानून बनाता है, कोर्ट कहते हैं, ट्रिब्यूनल कहते हैं, बार कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉ इन कंट्री दैट कैन सेंड यू बिहाइंड द बार्स इफ यू डोंट ओबे द लॉ, इफ यू डोंट अबाइड बाई द लॉ, राइट, अबाइड बाई द रूल, इफ यू डोंट अबाइड बाई द रूल्स यू कैन बी बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स यू नो दैट। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर माय डियर क्या है, आप बता रहे हैं लेजिस्लेचर, विधायिका होता ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जुडिशियरी, समझ रहे, जुडिशियरी का रोल सबसे ऊंचा होता है। कई केसेस ऐसे होते हैं हमारे समाज में जब गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं लेती है, आम आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा होता, तो एक हमारी जो हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, अमूमन हाई कोर्ट ही ले लेता है, सुओ मोटो ले लेता है। सुओ मोटो का मतलब होता है उसने स्वतः संज्ञान ले लिया, किसी ने शिकायत नहीं करी पुलिस को, लेकिन उसने कहा ये गलत हो रहा है, उसने उस प्रकरण को रेफर किया कि ये क्या हो रहा है, वो मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछेगा व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, जस्ट गिव क्लैरिफिकेशन, तब सब हड़कम मच जाता है। तो इसीलिए जुडिशियरी अपने यहाँ जो है वो बड़ी तगड़ी है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा दिमाग से काम किया था, समझ लो। तो अभी चंचूर साहब से पूरे हिंदुस्तान के लोग डरेंगे, लोग तो नहीं डरेंगे, जो गलत करने वाले होंगे वो जरूर डरेंगे, क्यों, उनके पास ऐसा केस जाएगा कि फिर वो तो बड़े बुद्धिमान आदमी है, मुझे बड़े बुद्धिमान लगते हैं, विद्वान आदमी लगे, विच इज विच फिगर ऑफ स्पीच। ये क्या हो गया यार, आज तो कई गलतियां दिख रही है मुझे। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फ्रेंडशिप इज अ सेल्टरिंग ट्री, लाइट टू टीज, अपोस्ट्रोफी, अलिट्रेशन, मेटाफर। कोई बात नहीं, रेक्टिफिकेशन मैंने कर दिया है। ठीक है, उसने उस प्रकरण को रेफर किया कि ये क्या हो रहा है, वो मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछेगा व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, जस्ट गिव क्लेरिफिकेशन। आवाज आवाज आ रही है यार, तुम लोगों में दिक्कत है, तो यू नीड टू कंसल्ट एन ऑरिस्ट। ऑरिस्ट समझते हो? हाँ, ये मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सार्केज्म भी नहीं बोल रहा हूँ, समझ लो। जिसको ना सुनाई दे मेरी आवाज़ भी, क्योंकि मैं और भेष में पितामह मतलब मुकेश खन्ना में काफ़ी समानता है जहाँ तक बोलने के वॉल्यूम की बात है। तो अगर दोज हु आर स्टिल अनेबल टू हियर मी दे मस्ट कंसल्ट एन ऑरिस्ट। ऑरिस्ट मतलब समझते हो, जिसको कान का डॉक्टर बोलते हैं, ईयर स्पेशलिस्ट। तो ड्रम वगैरह ठीक ठाक हैं कि नहीं, ये आप जो भी के समझना हो समझ सकते हो। ऑरिस्ट का मतलब बता देना, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे ना, इसलिए ऑरिस्ट समझ लेना, ठीक है। तो इसलिए मैं चेक कर रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, और जिनको ना सुनाई पड़े वो आपके आसपास होते हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं ईएनटी टाइप के, जिनको आईज नोज थ्रोट कहते हूँ, ईएनटी ये स्लैंग होता है, ऐसा कोई अंग्रेजी का वर्ड नहीं है। आँख वाले को ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं, आप ऑक्यूलिस्ट होता है, आँख के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी होता है, वो अलग चीज़ है। तो ऑक्यूलिस्ट और ऑरिस्ट आप कम जानते रहे, तो ये जान लीजिए, ये आँख वाला है, ये कान वाला है, ठीक है। तो यही मेटाफर है। और जी रवि जी, आई नो कि देर इज नो इशू, बट देर आर पीपल हु जस्ट क्रिएट डिस्टर्बेंस, दैट्स वाई दे आर ब्लॉक्ड समटाइम्स, बिकॉज आई डोंट लाइक टू हैव देम इन माय क्लास। अबाउट हुम डिड अर्नोल्ड राइट इन, ये देखो कौन कह रहे थे, पीजीडी का सवाल नहीं है, है तो यार, हाँ पीजीडी का भी है, टीजीडी का भी हो गया, ऐसे सवाल पढ़ो ना। अबाउट हुम डिड अर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम्स मेमोरियल वर्सेस, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ on the cool flowery lap of birth. Ye William Wordsworth, William Shakespeare, Alfred Lord Tennyson, John Keats. To yahan par kya hai aapko batana hai? Thank you dears to tell me what is what. In fact I knew that, but I just wanted to be doubly sure, that's why I checked it out, then I just kicked the student out of the class. Hamesha sikha karo, ek baat jaan lo कि आप किसी को सीखने की कोशिश किया करो, खुद से भी सीखा करो ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने आंसर बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। और वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं, बड़ा नाम है वर्ड्सवर्थ का,
अच्छा, अगर कभी ऐसा मतलब आ जाए कि वर्ड्सवर्थ की मीनिंग क्या होती है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो उसका मतलब परेशान मत होना, उसका मतलब सीधा कह देना लर्नेड। वर्ड्सवर्थ का मतलब होता है लर्नेड, वर्थ मतलब जान रहे हो ना, वर्थ डूइंग समथिंग, कुछ करने योग्य, तो वर्ड्सवर्थ है वो, मतलब पूरे शब्दों का खिलाड़ी है। वन हू ट्वाइस विद वर्ड इज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ, जो शब्दों से खेलता है उसे वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और आपको पता है कि इतनी पोइट्री ऐसे लिख दी कि नेचर के बारे में इतने, नेचर के इतने पहलुओं का वर्णन किसी ने किया नहीं है। आप सुमित्रानंदन पंत को वहाँ हिंदी में ले सकते हैं, बट उन्होंने भी अहे निष्ठुर परिवर्तन तेरा ही तांडव नर्तन, जो आपने पढ़ा होगा उनका, तो फिर भी वो बात नहीं आ पाई। आई एम नॉट रेलीगेटिंग सुमित्रानंदन पंत, रादर आई एम अ ग्रेट ह्यूज फैन ऑफ सुमित्रानंदन पंत, बट हर चीज़ की, हर साहित्य की अपनी नफासत और नज़ाकत है, तो अलग अलग चीज़ें हैं जी। इसमें गेटी का वर्णन है, बायरन का है, और डब्ल्यू का नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। आपको एक बात बताऊं, जब मैं नया नया था, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय बीए, तो गेटे को मैं गोएथे पढ़ रहा था, देन वन ऑफ माय सीनियर जस्ट टोल्ड मी, एंड नाउ ही इज एन ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो मैं कुछ लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने मुझे हमेशा करेक्ट किया है। हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, ये तो आप भूल नहीं सकते ना। अगर आप भूल रहे हैं, देन यू आर कमिटिंग कार्डिनल सिन, एंड हेट द सिन नॉट द सिनर, व्हाट गांधी जी सेड, राइट? तो डोंट कमिट सिन, बिकॉज सिन एंड सिंस बोथ आर डिफरेंट। एंड्रू मार्वेल, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन डन, थियस एलियट, और यहां पर आपको बताना है माय डियर, यू हैव टू टेल, थोड़ा सा धैर्य के साथ, एक कल की क्लास, डू वॉच आउट टुमारोज क्लास, डू वॉच आउट टुमारो एट 9:30 ठीक है? कल 125 की पूरी क्लास होगी, आप लोग उसको पढ़े। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना, फिर मैं दोबारा वो क्लास नहीं दूंगा, बता दे रहा हूँ, क्योंकि लाइव ही शायद लाइव तक रहेगी, उसके बाद आपको रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे आई शुड हैव कार्ड ब्लॉन्स, कम से कम आपको नए नए शब्दों को सिखाता रहता हूँ, तो उसके लिए तो फिर इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए ना, मेरे इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए ना, ना तो वो मेरा वो, मैं एक वो वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक मतलब जो कृष्ण भगवान का रोल किए हैं नीतीश भारद्वाज जी का सुन रहा था, उनसे मैं, व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें बाधा मत पहुंचाओ, लेकिन वो स्वतंत्रता तभी तक होनी चाहिए, जैसे आपने वो पढ़ा होगा, फिर मतलब दूसरों को बाधित ना करें, आपकी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपके अपने आइडियाज़ हैं, हाउ कैन यू थिंक लाइक मी एंड हाउ कैन आई थिंक लाइक यू, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट एंटिटी एंड आई एम अ डिफरेंट वन। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब वहाँ पर सहमति होनी चाहिए, जैसे कि दो और दो चार होते हैं, इसमें सहमति बरकरार रखनी चाहिए, अगर आप ऐसे नहीं करते देन फिर मामला गड़बड़ है ना, तो ये हो जाए। और यहाँ पर देखें, टी एस एलियट की बात है, ये उन्होंने ऐसी बात कही है, और वो 1927 के बीच में उसी बीच कन्वर्ट हो गए थे, कैथोलिक बन गए थे, और एक क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशलिस्ट रहे ये टी एस एलियट साहब, थोड़ा स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते थे, एम्फिसीमा के मरीज हो गए, फिर मर गए। अब आप सोचोगे सर ये कौन सी बीमारी है, कोई बात नहीं, देर वॉज अ बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टेनिसन यूलिसीज, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन्स पैराडाइज सॉरी यहाँ लॉस्ट बोल गया, लॉस्ट इज लॉस्ट, एंड टी एस एलियट्स जर्नी ऑफ द मेजाई, तो आपको बताना है, इट इज बेस्ड ऑन बाइबलिकल थीम, यू नो दैट। तो यहां पर आपको आंसर देना है, P
प्लीज बी क्विक टू रेस्पॉन्ड. रेस्पॉन्ड बोलता हूं, सा नहीं बोलता. दरअसल समस्या ये यही है ना. दिस इलियट जर्नी ऑफ मेजाई बेस्ड ऑन बिब्लिकल थीम है, बिब्लिकल थीम पे आधारित है. आई नीड नॉट टेल दैट. बाकी तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं चीज़ें. आप कोशिश किया करिए कि मैं जितना पढ़ाऊँ उसकी ज़्यादा आप सीखें. टी एस जर्नी ऑफ द मेजाई एंड हियर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स सो ब्यूटिफुल सो न्यू हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर हेल्प और पेन एंड वी आर हियर एज इन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट. फर्स्ट लाइन द सी इज काम टू नाइट. Matthew Arnold, Alfred Lord Tennyson, John Keats, P.V. Shelley, and it is Davao Beach. Davao Beach. Our love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us, so various, so beautiful, so new, hath really neither love nor light nor joy nor peace nor certitude nor help or pain. तो ये प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं. अर्नोल्ड की पोएम है Davao Beach. लास्ट की 9 लाइंस व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट तो वो पोएम थी हमारे यहाँ, तो वो तो हम लोगों ने पढ़ी थी. इनफैक्ट तो लाइनें पढ़े लाइनें जब आपको रटी रहें. और वंस आई वाज फेसिंग माय इंटरव्यू द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कैन यू रिसाइट सम पोएम. मैंने कहा यस सर. तो विच पोएम? मैंने कीट्स की पूरी आई स्टिल रिमेंबर ओड टू नाइटिंगेल और ओड ऑन ग्रेसियन एंड लाइन बाई लाइन रटी थी. अब देखिए मन का पाप. तो मैंने सोचा कि अगर मैं ओड ऑन ग्रेसियन या ओड टू नाइटिंगेल बताऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, जबकि मैं रट के गया था, कई बार रिहर्सल किया था, रटा भी था, अभी भी एक बार देखेंगे तो फिर याद हो जाएगा. और जब मैंने सोचा कि सुनाऊं, जैसे मुझसे निकलने वाला था तो मैंने कहा सर आई विल रिसाइट टेनिशन ब्रेक ब्रेक ब्रेक. तो वो भाप गया. ही सेंस्ड अर्लियर यू वॉन्टेड टू रिसाइट समवन एल्स. यस सर. मैंने कहा नहीं सर मैं यही सुनाऊंगा. तो मैंने कहा ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्डी एंड ही वॉज एक्सट्रीमली ग्लैड. और देखिए इतना नर्वसनेस होता है जब इंटरव्यू जब आता ना, जब कहने की बात होती है कि इंटरव्यू कोई भी दे, वो दे मतलब कोई भी इंटरव्यू देगा वो इंटरव्यू के नाम से हमेशा डरेगा अगर वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं है. तो जब मैं वहाँ बोल रहा था तो लास्ट लाइन जो था ओ फॉर द टच ऑफ अ बैन स्टैंड एंड साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल, उसके बाद की लाइन में गया मिस कर गया. तो वहाँ से इंटरव्यूअर ने वो लाइन पढ़ दी. थोड़ा सा मुझे करें यस सर एग्जैक्टली दैट. मैंने कहा यस सर एग्जैक्टली दैट. तो कभी कभी इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको नौकरी देना चाहता है, वो ऐसा नहीं साइडलाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता था बंदे को इसको याद है. वो आखिरी लाइन एक मिस कर रहा था तो एक लाइन उन्होंने बोल दिया जो मैं मिस कर रहा था. मैंने कहा यस सर दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से. तो ये होना चाहिए. आप पोएम वोएम पढ़ लिया करिए. रेसिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. So far as poem is concerned. Moving to the next one, the crab image. The crab image appears in the poems Snake, Love Song of J. Alfred Prufrock, The Hippopotamus, Sailing to Byzantium. Ye dono poem aap dekh lijiyega. Aur yahan par jo hai kya hai? क्रैब इमेज की बात करेंगे. अच्छा आपको पता है क्रैब नाम का एक डॉग आता है शेक्सपियर के किस प्ले में आता है? कैन एनी ऑफ यू टेल मी? एक सवाल तो पूछ, चलो आज वही पूछ लूंगा. तो ये है जो लास्ट में वर्णन आता है क्रैब वाला, जो लास्ट में आता है कंक्लूडिंग पार्ट में, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक. लेट अस गो देन यू एंड आई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन द टेबल. उस तरीके वाली जो लाइन है. तो यहां पर क्या है क्रैब इमेज जो है ये लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक आता है. इनफैक्ट ये सवाल आपके पीजीटी में पूछा जा चुका है. आई थिंक 2013-14 में जब भी पूछा गया था पूछा जा चुका है. गालजोर्दी बिगेन इज लिटरेरी करियर एज अ जर्नलिस्ट एज अ ड्रामेटिस्ट एज अ नॉवलिस्ट एज अ पोएट. नाउ चॉइस इज योर्स. आपको बताना है गालजोर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज. दिस इज करियर नॉट कैरियर. सी वन थिंग देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन. ये छोटी चीजें हैं
ये आपको बड़े परे, ये है कैरियर, दिस इज कैरियर, दिस इज कैरियर एंड दिस इज करियर। करियर वो लाइफ वाला जो आप समझते हैं कि मेरा करियर खराब कर दिया, ठीक है। अच्छा, अपने गुरु गुरु से जो भी राग रहे उलझा मत करो, समझ रहे हो, क्योंकि आप उनका कुछ कर नहीं पाओगे। और एरिस्टोटल की लाइन बता रहा हूँ, इनफैक्ट मैं एरिस्टोटल की लाइन हिंदी में बता रहा हूँ, वो शायद अलेक्जेंडर के रिगार्डिंग उन्होंने किया रहा होगा। तो आप उनसे उलझा मत करो, उलझा मत, उन्हें इरिटेट मत किया करो, क्योंकि आप कुछ भी जान लोगे। मतलब सचिन कितने भी महान प्लेयर रहे हो, लेकिन गुरु उनके रमाकांत आचरेकर ही कहे जाएंगे, कहे जाएंगे। और महान प्लेयर भी 14 बार जीरो में आउट होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब एवरी वन हैज लूप होल्स, हर के पास कुछ कमी होती है। तो ये कैरियर जो होता है, जैसे आप देखते हैं ट्रक लिखा ना, ट्रक में जब ट्रक देखते हो आजकल के उत्तर प्रदेश में जो ट्रक चलते हैं, वो पूरे गुड्स कैरियर लिखा रहता है, और उसमें तो नीचे ऐसे ऐसे शेर सारे लिखे, तुम कब आओगे, लिखा रहता है तुम कब आओगे। तो ये कैरियर वाला, कैरी का मतलब क्या होता है, कैरी का मतलब होता है ले जाना, क्या होता है, ले जाना या ढोना। कैरियर साइकिल में कैरियर होता है, कैरी करता है, ले जाने वाला, गुड्स मतलब सामान होता है, जो मालवाहक सामान को कैरी करता है, तो कैरियर हो गया, ये करियर हो गया, दिस इज करियर। अब कभी प्रोनाउंस करिएगा तो करियर को कैरियर मत पढ़िएगा, नहीं तो सामने वाला हंस देगा, बोथ आर डिफरेंट थिंग। हाँ, तो ये जो है आप देखें, एज ए नॉवलिस्ट उन्होंने ये शुरू किया था करियर। तो ये अमृता जया, ये कई लोगों ने आंसर दिया है, संत शालिनी, संतोष कटियार साहब, क्या बात है, ममता, रीता, सीनू, दे ऑल हैव गिवन करेक्ट आंसर, थैंक यू। और मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय कमला दास, in fact I was going to say Kamala aunty, now she is no more, the descendants, the old playhouse and other poems, summer in Calcutta, now it has become Kolkata, when I will write a novel like, then I will say it was a time when Calcutta became Kolkata and Bombay became Mumbai and Bangalore became Bengaluru, this was a time of great transition। बहुत बिगनिंग लाइन हो सकती है ना, आपको आइडिया दे दिया, कल से नॉवेल लिखना शुरू कर देना, दैट विल मेक सम सेंस, ठीक है। द अनफिनिश्ड मैन, तो यहां पर अनफिनिश्ड मैन निजी मिस्किल का है, ये जो अनफिनिश्ड मैन है वो निजी मिस्किल का है, किसका, निजी मिस्किल, इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इनफैक्ट इनको एक बीमारी थी, उसी की वजह से इनकी डेथ हो गई। इनकी बीमारी, एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में, यू मी एंड हम, मैं तुम और हम ना, काजोल और अजय देवगन की थी। उसमें काजोल जो है एक पेशेंट है, सी इज सफरिंग इन दैट मूवी फ्रॉम अल्जाइमर्स डिसीज, थोड़े देर के लिए भूल जाना कि एक्चुअली आप मार्केट गए, तो फिर मार्केट में जाने के बाद आप भूल गए कि आप कहाँ पर हैं या हु यू आर, यू फॉरगेट ऑल ऑफ सडन, देन आफ्टर एन इंटरवल यू जस्ट रिमेंबर ऑन योर ओन की हु एंड वट यू आर, इस तरीके की बीमारी होती है, अल्जाइमर डिजीज से इनकी मौत हुई थी। एकमात्र पोइट हैं जिसको आप जानते हैं जिसकी मौत अल्जाइमर से हुई थी। अल्जाइमर की स्पेलिंग भी अगर आप याद कर लेंगे तो दैट विल मेक सम सेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाई थॉमस हार्डी अपीयर्स एनोनिमसली इन 1871, सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेज अंडर द ग्रीन ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, डिस्परेट रेमेडीज नन ऑफ द अबव। वैसे अंडर द ग्रीन ट्री का जो टाइटल है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हाट, मेरे स्टॉक पेयर जो है वो, इनफैक्ट एज यू लाइक इट, गॉट इट, तो ठीक है, अंडर द ग्रीन ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, ठीक है। ये जो है कौन सा ऐसा है जो एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, यू हैव टू टेल प्लीज माय डियर, बी क्विक। ये सारे के सारे सवाल मैं बता रहा हूं, आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आप बहुत ही रिलैक्स मूड में रहें, बिना किसी को अपने गेट के बाहर अपना ज्ञान ना बघारें, बहुत कूल माइंड से रहें, बिना ज्ञान बघारे हुए, मतलब ज़्यादातर लोग वहाँ ज्ञान बघारते रहते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं, हर बार एग्जाम देते हैं उनके पास एक बहाना रहता है कि दो क्वेश्चन से सर रुक गया, तो ज्ञान वहीं एग्ज़ाम हाल में बघारो, बाहर मत बघारना,
या बाहर बघार दोगे तो अंदर मौको आप रिलैक्स नहीं हो पाओगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ज्ञान बाहर बघारने से गड़बड़ हो जाता है, मतलब इरोडिशन कहने, बघारना इज नॉट अ निगेटिव वर्ड, बघारना इज वॉट यू सही तड़का लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्परेट रेमेडीज इज द राइट आंसर, राइट माई डियर, डिस्परेट रेमेडीज इज द राइट आंसर। एंड इन फैक्ट रवि शुक्ला, शशिकांत, मिथिलेश, रमा, दिवाकर, शालिनी, नूतन, ममता, अनुपमा, जया, अशोक, दे ऑल हैव गिवन करेक्ट आंसर, थैंक यू माई डियर। जॉन गल्सवर्थी वॉज द सन ऑफ अ नॉवलिस्ट, मर्चेंट, लॉयर, डॉक्टर। वो किसके बेटे थे, आसान सा सवाल है, और कई सवाल तो ऐसे होते हैं कि आपको आसानी लगते हैं, वो आसान होते भी हैं, और अगर ऐसे सवाल गलत कर दिए, जैसे लास्ट के एग्ज़ाम में आया था कि ओफेलिया या गर्ट्रूड कहाँ के कैरेक्टर है, और मुझे बड़ी हंसी आई जब मैंने देखा कि एक मेरे खास स्टूडेंट ने गलती कर दी थी। हाँ सर, बहुत दिमाग प्रेशर में था, तो वही मैंने बताया ना, मुझे तो पता है ना कि आपको पता है, लेकिन आपने एग्ज़ाम हॉल में जो एनसर्किल करना था गलत एनसर्किल कर दिया, ब्लैक एंड करना था, यू जस्ट ब्लैक एंड द रॉन्ग सर्किल, गेम इज ओवर, आप फ्लूड लगाइए, वाइटनर लगाइए, इट विल मेक नो सेंस। तो बेहतर हो कि बहुत रिलैक्स मूड से एग्ज़ाम देना चाहिए। और 15 का सी है आपका आंसर, सी है लॉयर, ठीक है। आगे की बात करें, एंडीमियन बाय किट्स, एंडीमियन बाय किट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इज द स्टोरी ऑफ यंग सेफर्ड लव बाय द मून गॉडेस, किट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी, हाईलैंड लोर, कैंटिस टेल्स एंड रोमन मिथ्स। यहां पर एक लाइन आती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, क्या बात है, मतलब इनफैक्ट ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर साइज। किट्स ने इसको इलेबोरेट जरूर किया, जब कभी सवाल पूछे कि ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर साइज, सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है, ये बात सही है, लेकिन ये बात किट्स को आप जानते हैं, किट्स ने नहीं है, हालांकि कोटेशन आएगा तो किट्स मार देंगे, आप टिक लगा देंगे, लेकिन एक्चुअली किट्स बोरोड इट फ्रॉम प्लेटो, हाउ अमेजिंग, यू नो, किट्स ने ये कॉन्सेप्ट प्लेटो से लिया था, और प्लेटो से लिया तो शायद उतना बबूल नहीं हुआ, लेकिन किट्स ने इसको बहुत एलेबरेट, पोएट ऑफ ब्यूटी इनको कहा जाता है, पोएट को, प्लेटो को नहीं, हालांकि प्लेटो थोड़ा था मुझे लगता है नॉन डेमोक्रेटिक आदमी था, उसका मानना था कि मोनार्की होनी चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए, उसका मानना था प्रजातंत्र जो है घातक है किसी देश के लिए, प्लेटो तब सही हो सकते हैं, जरूर नहीं हो कि हमेशा सही हो, ठीक है। और कई बातों से आप प्लेटो के इत्तफाक नहीं भी रख सकते, अगर ऐसा रखा होता तो अरिस्टोटल ने उनका अपोज नहीं किया होता, ठीक है। तो ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो ये आपके ऑप्शन है, आई विल वेट फॉर योर आंसर इन ग्रीक मिथोलॉजी। तो ग्रीक मिथोलॉजी, यस रवि, लवलीनेस इंक्रीजेस, राइट, तो ये बात सही है कि लवलीनेस इंक्रीजेस। ग्रीक मिथोलॉजी, व्हाट यू से प्रोनाउंस एज माइथोलॉजी, माइथोलॉजी इज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, द करेक्ट वन इज मिथोलॉजी, बाकी आपकी मर्जी है ना यार, मैं थोड़ी ना रोक सकता हूँ, हु एम आई। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छा लगता है प्रोनाउंस करना, इसलिए आदमी करते हैं, उसे पता रहता है, फिर भी एक लंबे अरसे तक मैं भी कुछ चीज़ें गलत ही पढ़ता रहा, हालांकि मुझे किसी ने बताया नहीं, वो मैं खुद जब पढ़ने लगा, जब मैं स्टूडेंट था, आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज स्टूडेंट, ठीक है। विच रोमांटिक नॉवल इज बाई चार्ल्स लैम, क्लॉस्टरहाइम, रॉसमंड ग्रे, एब्सेंटी, क्रैनफोर्ड, ये किसकी नॉवल है? वैसे नेट वाले ध्यान देंगे, यहां पर मैं नेट वालों की बात कर रहा हूं, तो नेट वाले जरूर ध्यान देंगे। प्लीज आपको बताना है, नेट वाले जरूर ध्यान देंगे। देखो यहां पर अनुपमा एंड सो आर मेनी, तंदुल जैन, जया, ये ऑल हैव गिवन करेक्ट आंसर, रॉसमंड ग्रे,
एक बात बताना था, क्लॉसनहाइम के बारे में बताना था। ये जिसने लिखा है उस बंदे का नाम आप जानते हैं, अब्सेंटी मारिया एजवर्ड क्रैनफोर्ड, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो है ना, ये थॉमस डी क्विंसी है। अब ये इसीलिए कहा नेट वाले ध्यान देंगे, ऐसे पूछ लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये क्लॉसनहाइम एक जर्मनी में एक प्लेस है, उसी प्लेस पे आधारित है। तो इनफैक्ट इसकी समरी में किसी दिन दे दूंगा नेट में। तो क्लॉसनहाइम एक किताब है, ये थॉमस डी क्विंसी की। थॉमस डी क्विंसी को आप ऑन द नॉकिंग एट गेट इन मैगवेथ या कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियोमीटर, इन सब चीज़ों के लिए आप जानते हैं। और क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एंड एंड इन वेव, इट्स फंक्शन इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। हु सेड दिस? ये किसका मानना था आपको बताना, मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, टी एस एलियट, जॉन कीट्स? हु सेड दिस माई डियर? ये बात किसने कही है आपको बताना है। हु सेड दिस? क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एंड एंड इन वेव, इट्स फंक्शन इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। मतलब क्रिटिसिज्म का उद्देश्य क्या हो कि ये अंडरस्टैंडिंग और एन्जॉयमेंट ऑफ लिटरेचर को प्रमोट करे। बड़ी अच्छी बात है। और ऐसा तो यहां पर अगर आप बात करेंगे आप, तो ऑब्वियसली इट इज टी एस एलियट। तो ऑल इज वेल नाउ, many of you have answered T.S. Eliot and there are many who have answered otherwise. देखो ममता रिक्वेस्ट कर रही है आप लोगों से कुछ। देखिए ये सही भी है, रिक्वेस्ट आप वहीं करेंगे ना जहां पर लोग आपसे बेनिफिट हो रहे हैं। अच्छा, हमारे समाज में ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि जिस दिन आपके अंदर, मेरे गुरुजी हैं, ही इज़ अ ग्रेट नॉवलिस्ट एंड रिसेंटली आई हैपन टू मीट हिम, देन ही मतलब एक बार फिर से एडवाइस मिली मुझे कि मतलब ज़िंदगी में आप सीखते रहो, नेवर स्टॉप ग्रोइंग, व्हेन यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टार्ट डाइंग एंड नोबडी वांट्स टू डाई, बट मरना तो सबको। उन्होंने उनसे एक चीज़ सीखा कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। और आप उन लोगों से जरूर उम्मीद करिए जो आपसे उम्मीद करते हैं, नहीं तो फिर लाइफ विल बिकम मशीन एंड मशीन एंड लाइफ बोथ अ डिफरेंट थिंग। मशीन डजंट हैव इमोशन, लाइफ डज हैव। तो एक्सपेक्ट तो करना चाहिए बट नेवर एक्सपेक्ट समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम दोज हु यू एक्सपेक्ट टू बी समथिंग डिफरेंट। अब सोच रहे हो कितने सारे एक्सपेक्ट कह दिया। कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि कम से कम आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बार मैंने कहा भी, किसी के कहने भी तरह आप कभी कहते नहीं, कहा भी तो एक भद्र इंसान, भद्र मतलब मेरा अच्छे से होता है, भद्र महिला मतलब जेंटल लेडी, उन्होंने कहा अच्छा ये भी एक तरीका है अपने आप को प्रमोट करने का। हम कह रहे यार क्यों ना प्रमोट करें, आप अपना काम करो तो प्रमोट करने में क्या बुराई है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रमोट किया करिए, ये थोड़ा सा आई विल एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। तो ये चाहे आप मेरा स्वार्थ समझिए, जो भी समझिए। भाई मेरे पूरे वीडियोस देख लो, DSSB क्या जितने SSB होंगे सब क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप ठीक से 400 वीडियोस से ज्यादा थे अगर आप देखे होते, नेट की जो लास्ट दो एग्जाम हुए हैं नेट की, औकात नहीं थी कि आप उसको क्रैक ना कर पाते अगर उतने सारे कंटेंट आपके दिमाग में होते जितने मैंने दिए थे। लेकिन उसको आप लोगों ने क्या किया, उसको हल्के में लिया। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा इस मामले में रवीश कुमार जी को फॉलो करता हूँ। भाई जिसके लिए मुद्दे उठाए अगर वही नहीं प्रमोट करेगा तो उस मुद्दों को बंद कर देना चाहिए। अब जिसके लिए मैं दे रहा था वही लोग नहीं प्रमोट कर रहे तो मैंने उसको हाइड कर दिया, बात खत्म। भाई देखो देर आर नो फ्री लंचेज टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी वॉज, ये जो प्रोफाउंड फिलोसफी थी इट वॉज रिजेक्टेड बाय ट्रैंक्विलिटी में, टी कर दीजिए। किसने रिजेक्ट कर दिया था ये वर्ड्सवर्थ की इस फिलॉसफी को? विलियम हैसलेट, टी.एस. एलियट, एज़रा पाउंड, रोला बाथ। रोला बाथ का नाम आप डेथ ऑफ ऑथर के लिए आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपको बताना है, विलियम हैसलेट, टी.एस. एलियट एंड एज़रा पाउंड, तो ऑब्वियसली इट इज टी.एस. एलियट, राइट? गॉट इट माय डियर? टी.एस. एलियट एक बड़ा नाम है।
इनको नोबेल प्राइज की बात करें तो 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। कैसे याद करेंगे, कभी नहीं भूलने के लिए, उधर इधर भारत आजाद हुआ, उधर टीएस एलियट को नोबेल प्राइज मिल गई एक साल बाद, ठीक है। कई चीजें आप एसोसिएट करके याद कर सकते हैं, और जिसको आप सरल भाषा में निमोनिक कहते हैं। निमोनिक क्या होता है? निमोनिक इज लर्निंग टेक्निक, लर्निंग टेक्निक। इसी निमोनिक को लर्निंग टेक्निक कहता है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। इट डज नॉट हैव एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरा निमोनिक कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है। मैं फिर से बता देता हूँ, निमोनिक विल नेवर हेल्प यू फॉर लॉन्ग, इट विल नेवर टेक यू वेयर एक्चुअली यू वॉन्ट टू बी। निमोनिक्स कुछ जगह काम कर सकता है लेकिन ज़्यादा देर तक के लिए नहीं। वो एक होता ना अनस्टेबल मेमोरी होती है वो निमोनिक, वो कभी भी भूल सकता है। तो ज़्यादा जब आप डिटेल में पढ़े रहेंगे तो यू विल नॉट रिक्वायर निमोनिक इन योर लाइफ। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए निमोनिक पे आप कम भरोसा करिए, कॉन्सेप्ट पे, मतलब फोकस ऑन लर्निंग कॉन्सेप्ट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग निमोनिक्स इन योर माइंड, राइट। तो यहाँ पर टी एस एलियट की बात करेंगे हम। द डिकॉन्स्ट्रक्टिव एंजल इज एन एसे बाय, डिकॉन्स्ट्रक्टिव एंजल इज एन एसे बाय। जैक डेरिडा तो मत कर देना, पॉल डी बच्चा है यहाँ पर, पॉल डी मैन, बारबरा जॉनसन, एम एच अब्रम्स, जैक डेरिडा। अच्छा आपको बताओ, जब मैं नया नया था, एमए कर गया था, तो मुझे थियरी वरी तो आती नहीं थी, तो जैक डेरिडा को मैं सोचा कि कोई स्त्री है, विखंडनवाद हिंदी में। तो फिर मैंने क्या किया, उस समय अंग्रेजी शायद उतनी अच्छी नहीं रही होगी, मैं तो हमें अभी भी पॉलिश कर रहा होता हूँ, तो मेरे मित्र रहे एमए में, तो उसमें एमए वाले में उसमें लिखा था डेरिडा, तो डेरिडा का विखंडनवाद। तो उस विखंडनवाद को मैंने पढ़ा, लेकिन उसमें हिंदी की कविताओं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं समझ गया कि कहना क्या चाह रहा है। तो बाद में जब पढ़ा, कई बार पढ़ा और कई सीनियर्स ने बताया, तब मैं समझ गया कि ये जो है एम एच अब्रम्स की पूरी समरी मैंने दी है, आपको बताई है, मेरी नज़र में उस किताब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दुनिया में कुछ लोगों का सब्स्टिट्यूट कभी न था न है, सचिन तेंदुलकर का सब्स्टिट्यूट इंडिया में कभी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट समाप्त हो जाएगा, हुआ भी नहीं है, बट एम एच अब्रम्स से अच्छी किताबें लिखी जा सकती हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन उतनी पॉपुलर नहीं होगी, उतनी दमखम नहीं होगी उसमें। तो इस किताब को आपके पास होना चाहिए और एम एच अब्रम्स की किताब आप पढ़िए। सेवरल ऑफ गाजवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर स्यूडोनिम ऑफ जॉनसन इजाक बिकरस्टॉफ, बिकरस्टॉफ नहीं लिखा है, जॉनसन जॉन इलिया। तो इलिया के लिए आप जानते हैं, एसेज ऑफ इलिया के लिए आप लैम बाबा को जानते हैं, चार्ल्स लैम, बड़ा बड़े अच्छे एसेइस्ट हैं ये। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जॉन सेंट जॉन है, जिसका मतलब जॉन सन ऑफ जॉन, जॉन सन ऑफ जॉन, ठीक है, जॉन सन ऑफ जॉन। ये सारी चीज़ें हैं आपको सीखने की, सीखते रहना चाहिए आपको, हमें भी सीखते रहना है, आपको भी सीखते रहना। हु इज द ऑथर ऑफ द थिएटर ऑफ द अपसर्ड, थिएटर ऑफ अपसर्ड 1961 में। थिएटर ऑफ अपसर्ड क्या है, इनफैक्ट इस ट्राइज टू शो द नथिंगनेस दैट एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स आर फेसिंग। तो ये अल्बर्ट कैमू, इस कैमू नॉट कॉमर्स, फ्रांस कैफ्का, हेनरिक इब्सन, मार्टिन एस्लिन। मिथ ऑफ सिसिफस के लिए आप अल्बर्ट कैमू को जानते हैं, हालांकि उन्होंने इससे काफ़ी इंस्पायर, 1942 में आई थी मिथ ऑफ सिसिफस, तो उस सिसिफस वॉज अ किंग, मैं पूरी कहानी बता चुका हूँ थिएटर ऑफ अपसर्ड की। दिस इज अपसर्ड नॉट अब्जर्ड, दिस इज अपसर्ड आई रिपीट। तो ये बेतुकेपन की कहानी है, इट शोज द बेतुकापन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ इट्स लाइफ डज नॉट हैव अ मीनिंग एट ऑल, एंड दिस मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी शोन, कैन बी डिस्प्लेड, कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द बुक्स दैट देमसेल्व्स आर टोटली अब्सर्ड। इन सच काइंड ऑफ प्लेज और वॉक्स देर आर नो प्लॉट्स बिकॉज नथिंग मीनिंगलेस कैन हैपन, इट इज जस्ट लाइक, इट्स अ वेरी सिमिलर टू अ पेंटिंग, इट्स वेरी सिमिलर टू अ पिक्चर, पेंटिंग बिज डज नॉट हैव अ पिक्चर एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मार्टिन एस्लिन का नाम आप लेंगे, दैट यू ऑल नो दैट। मेमोआ क्लब ऑफ 1920 वॉज ओरिजिनली सेंटर्ड ऑन टू डॉटर्स ऑफ लेजले स्टीफन, डंकन ग्रैंट
ईएम फॉस्टर, जेम कीन्स, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जेन मेनार्ड कीन्स। और दो बेटियां थी जिन्होंने ब्लूम्सबरी ग्रुप में भी काफी योगदान किया, और एक का नाम वर्जीनिया वुल्फ था और एक का बनीशा वेल, समझ रहे हैं, दोनों का नाम आप जानते हैं। वो डॉटर थी, एक बहुत बड़े फिलोसोफर टाइप के व्यक्ति थे, तो आप उनका देख रहे हैं नाम। और यहां पर आप बता रहे हैं कि लेस्ली स्टीफन इज द राइट आंसर, लेस्ली स्टीफन, ठीक है, तो लेस्ली स्टीफन इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टी एस एलियट गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। देखो अभी तो मैंने बता दिया ना, आई मस्ट नॉट स्टे ऑन दिस, मुझे बताया जो मैं सोच रहा था ना, 1950, 1940, 1957, और कुछ बताने की जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने बता दिया था, मुझे इनफैक्ट पता नहीं था कि इस सवाल मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन इस सवाल को आप नेवर अंडरस्टिमेट द लेवल ऑफ इजी क्वेश्चन, कभी अंडरस्टिमेट मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाओगे। जिसने अंडरस्टिमेट किया ना, वो फिर अंडरस्टिमेट हो गया, फिर कुछ उसका हो नहीं पाया। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिनका सिर्फ इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनका एक क्वेश्चन गलत हो गया, और वो क्वेश्चन ऐसा था जो उनका कभी भी गलत नहीं हो सकता था, मतलब ईजिएस्ट वन। अब आपसे पूछे कि हैमलेट की मदर क्या नाम क्या है, और आप गलत करके आ जाओ एग्जाम में, फिर आप किसको ब्लेम करोगे, अपने मेंटर को, गाइड को, टीचर को, खुद को? खुद को भी ब्लेम मत करो, बस अपने डेली रूटीन को ब्लेम करो कि आप अपना कंसंट्रेशन जो है वहाँ आपका लैग किया, आप फैसिनेशन में आ गए, आप जल्दी ओवरकम कर गए, आपके इमोशंस इतने हाई हो गए कि आप उस पर काबू नहीं कर पाए। एग्जाम हॉल में ये सारी चीज़ें होती हैं, और कई लोगों को बार बार, मतलब दे हैव टू जस्ट गेट फ्रेश, गेट रिफ्रेश्ड, जब ऐसा इंटरव्यू वगैरह होता है तो एकदम नर्वस हो जाते हैं, बार बार उनको बार बार जाना पड़ेगा बाथरूम, वॉशरूम जाना पड़ता है। ये क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है 15 से 20 दिन के अंदर, एक प्रैक्टिस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, द डार्क फ्लावर बाय जॉन सिंचॉन, सॉरी बाय जॉन गजवर्दी, इज अ लव ड्रामा, इट इज ट्रेजिक प्ले, इज अ लव नॉवेल, इज अ कॉमिक प्ले। तो यहां पर क्या करेंगे आप, द डार्क फ्लावर बाय जॉन सिंचॉन, बाय जॉन गजवर्दी, इज अ लव नॉवेल, ठीक है, ये हो गया आपका। आगे हम देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ, आप मिस्टेक मत करना ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे ऐसे मिस्टेक, देज आर सिली मिस्टेक। द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश बिगिन विद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066, जॉन विक्लिफ ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन, ये तो इतने में था नहीं, ये तो 20 में था, ये तो गलत हो गया, थोड़ा फैक्ट सही नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट फैक्ट इज फैक्ट तो सही होना चाहिए ना, नहीं तो ये मुझे लगता है कि फैक्ट सही नहीं है, तो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, फैक्चुअल मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड। ठीक है माय डियर, द ब्लैक डेथ 1349-30 इस दौरान आया था, द 100 ईयर वॉर अंगेंस्ट फ्रांस, ये सब आप देख रहे हैं, तो फ्रांस का प्रभाव कब रहा तो आप देखेंगे यहाँ पर। तो ग्रेट शिफ्ट की बात करेंगे तो आप ऑब्वियसली इस शुड बी व्हाट, कई लोग बी आंसर दे रहे हैं, आई डोंट नो विद व्हाट लॉसी, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से मिडिल इंग्लिश बिगेन विद, तो ये जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट लीजिए, विक्लिफ से क्यों ले रहे हो यार तुम लोग, ठीक है। शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू जॉनसन ऑफर्स पर्टिकुलर मैनर्स peculiar to individuals, particular manners peculiar to time, particular manners peculiar to place, representation of general nature, तो आपको बताना है क्या करते हैं शेक्सपियर, you have to tell, please, you have to tell, Shakespeare according to Johnson offers particular manners peculiar to individuals, particular manners peculiar to times, particular manners peculiar to place, नहीं दरअसल क्या है ना, टीजीटी में वही आएगा एग्जाम में आपकी बार, जो जो आप जानते हैं और कुछ नहीं आएगा उसमें, शेक्सपियर आएगा, मिल्टन आएगा, गजवर्दी, और कुछ पूछ ही नहीं सकता,
इनसे पूछेगा शेक्सपियर से आएगा टेम्पेस्ट किसने लिखा, गालजोर्दी से आएगा जस्टिस किसने लिखा, हाँ यही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। ऐसे सवाल करते हुए दीज थिंग्स आर इरिटेटिंग ना, कि ये सर ये टीजीटी के लिए है कि पीजीटी के लिए है, ए फॉर एप्पल के कहाँ पर आएगा, टीजीटी में आएगा कि पीजीटी में आएगा, हद है यार। थोड़ा सा अपने थोड़ा सा गॉड ने कुछ दिया है उसका यूज कर लिया करो, नहीं तो इट विल रिमेन व्हेन द पर्टिकुलर थिंग रिमेन्स अनयूज्ड इट गेट्स रस्टेड, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर की बात करेंगे। दिवाकर यू आर वेरी करेक्ट, अनुपमा यू आर, यू टू आर वेरी करेक्ट, ठीक है, तो आप सब लोग सही हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग जेम्स, किंग रेन नॉट रीजन, मैंने रीजन पढ़ दिया, माय अपोलॉजीज फॉर दैट। ये इनका दौर रहा इन विच कॉन्टिनेंट वर द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनीज, फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी वर द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनीज फाउंड, पहली ब्रिटिश कॉलोनी कहां पर फाउंड की गई थी, इन विच कॉन्टिनेंट वर द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनीज फाउंड, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, तो आप यहां बताएंगे ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जेम्स एंड विच कॉन्टिनेंट्स वर द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनीज फाउंड, ये कहाँ पर फाउंड किया गया था, मतलब पहली बार ब्रिटिश, तो जेम्स के समय में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग आप देख रहे हैं इसी दौर में आती है। नॉर्थ अमेरिका इज द राइट आंसर, राइट। देखो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं, आपकी तैयारी एकदम। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फोनोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, तो यू हैव टू ऑल्सो आंसर दिस वन एंड आई विल आस्क अ क्वेश्चन फॉर टुडे एज वेल। आज का सवाल जो होगा, इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ नेट के लिए पूछूँ क्या, नहीं जिसके लिए जो बनाया वही पूछूँगा, ठीक है, नहीं तो सब आप गड़बड़ कर देंगे। प्लीज बी क्विक टू आंसर। फोनोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, एंड हियर मेनी ऑफ यू आर सेइंग सिमेंटिक्स, दोज यू आर सेइंग सिमेंटिक्स दे आर वेरी इनकरेक्ट, आई थिंक मॉर्फोलॉजी पे जाना चाहिए, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्लीज बी डब्ल्यू श्योर अबाउट दैट, व्हाई सिमेंटिक्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स, लोग तो डाउट कर दे तो यार देख लेना। ये जो है स्ट्रक्चर है लिंग्विस्ट का, ये मॉर्फोलॉजी है, सिमेंटिक नहीं है, एंड आई थिंक आई एम राइट। द एंटी मास्क वॉज अ फॉर्म डेवलप बाई, इनफैक्ट वो एंटी मास्क किसने डेवलप किया था ये पूछा जा रहा है, जॉर्ज चैपमैन, जॉन मार्स्टन, बेन जॉनसन, जॉन बॉब्स्टो, आपको बताना है, ठीक है, यू हैव टू टेल जॉन बॉब्स्टो, ठीक है माई डियर, आपको बताना है, प्लीज बी क्विक टू रेस्पॉन्ड। ठीक है, और यहां पर सी बता रहे हैं आप लोग, बेन जॉनसन, और एक चीज बता दूं, ये मास्क और एंटी मास्क दोनों के लिए यही जानते हैं ना, मास्क एंड एंटी मास्क दोनों यही है, आज मैं बताया था मास्क और एंटी मास्क कौन कौन से इनके, आज मैंने बताया था फिलहाल, हालांकि आपको नहीं बताया था, बेन जॉनसन। अब आपको बताना है, सवाल आज का ये है कि अच्छा हिंदी से पूछूं कि अंग्रेजी से, चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग इन द नॉवेल
डेविड कॉपरफील्ड। ये डिकेंस का जो नॉवेल है उसमें एक डॉग है, उस डॉग का नाम क्या है आपको बताना है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड एंड टुमारो डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट 125 क्वेश्चंस, अ फुल लेंथ टेस्ट फॉर पीजीटी। आई रिपीट, इट इज नॉट मेंट टू बी फॉर पीजीटी, बट वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं 125 में। ग्रामर रहेगा, वोकैब रहेगा, प्रपोजिशन रहेगा, एवरीथिंग, यू विल फाइंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।